एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने किचन का झाड़ू वगैरह लगाया, पोंछा वगैरह लगाया। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने आके बर्तन साफ़ करे और अभी बना रही हूँ मैं प्रसाद, पूड़ी, पुआ, क्योंकि आज लड्डू का मुंडन करवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और अकेली हूँ। सारी चीज़ें अकेले मेरे से हैंडल नहीं हो पाती हैं, आराम आराम से कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों का साथ होता है तो ऐसा ही होता है। तो ये सब लोग सो रहे हैं, जब तक मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ, फिर ये भी जाग जाएंगे, फिर इनको मैं रेडी करूँगी लड्डू वगैरह को। और यहाँ पर मैंने पुआ के लिए घोल बना लिया है, तो बस पूड़ी पुआ बना के हम लोग तैयार वैयार होके निकल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। लड्डू कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? आज लड्डू का हो जाएगा मुंडन। मैंने काजल नहीं लगाया इसको। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार में, हम जा रहे हैं करौली वाली मैया पे लड्डू का मुंडन कराने के लिए। बहुत टाइम से पेंडिंग था, फाइनली आज माता रानी ने हमें बुलाया और हम जा रहे हैं। बहुत बार बने हुए प्लान भी कैंसिल हो गए हैं, ऐसे ही लक्ष्य के टाइम पे हुआ था। तो सुबह मैं 4 बजे उठी, उसके बाद मैंने पूड़ी नहाई धोई, पूड़ी पुआ बनाए और जो भी आइटम होता है हल्दी वगैरह सब कुछ रख लिया। जितना मैं जानती हूँ उतना मैंने रख लिया है, और नहीं जानती हूँ, कोई गलती हो गई हो तो माता रानी से क्षमा मांग लूँगी, माफ़ कर देंगी भैया। और हमारे लड्डू महाराज ये रहे, और आज मैंने इसको काजल नहीं लगाया है, और मैंने इनको भी नहीं उठाया था क्योंकि इनको ड्राइव करना था, इसलिए मैंने सोचा कि इनकी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग लेट सोते हैं लड्डू की वजह से, और फिर सुबह हमें जल्दी उठना था। तो पहले हम 3 बजे उठने वाले थे, फिर इन्होंने बोला नहीं 4 बजे उठ जाना, 5 बजे तक हो जाएगा, लेकिन निकलते निकलते 6 ही बजने वाले हैं, 5:45 समथिंग हो गया है टाइम। 6 बज गए? हाँ, तो 6 ही बज गए। गला मेरा ख़राब है, हम मैया पे गए थे ना उस दिन, तो उस दिन क्या है जल्दी उठे थे, रात में लेट सोए थे, फिर ठंडा पानी पी लिया, तो बस ऐसे ही हो जाता है, तो गला मेरा एकदम बहुत भारी भारी हो रहा है। चलिए चलते हैं माता रानी के दरबार में। और लक्ष्य के टाइम पे हम गए थे, पिछली बार भी मैंने ब्लॉग शेयर किया था जब मैं लड्डू लक्ष्य के टाइम गई थी। और बस माता रानी के दरबार में मुंडन हो जाएगा लड्डू का, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बस हम मुंडन करवा ही लेते हैं। फिर इसकी बर्थडे आएगी, तब तक इसके थोड़े थोड़े बाल आ जाएंगे, वरना टकला लगेगा। और लक्ष्य के बाल तो हमारे बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मतलब सिर्फ 4 बाल थे, उसकी मैं टकली करा करा के उसके बाल कितने अच्छे हो गए। ऐसे ही अब लड्डू के भी तो अच्छे हैं खैर बाल, बट और टकली करा करा के और अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं माता रानी के दरबार में, और आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, और चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। तो अभी आ गए हम पेट्रोल पंप पे, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो कुछ नहीं है। ग्वालियर से निकलते ही यहाँ पे हम पेट्रोल भरवाएंगे, गाड़ी को फुल करेंगे, डिग्गी को, और निकल जाएंगे मैया के दरबार में। कितना है पेट्रोल का दाम? 108.37 पैसे। हरियाणा में तो कम रहती है ना? हाँ, देख लो एमपी में कितनी महंगी है, बहुत ज्यादा। लड्डू महाराज इतनी शैतानी कर रहे हैं, देखो लड्डू, लड्डू बेबी। यहाँ पे भयंकर ज्यादा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बड़ा। ओ माय गॉड, ट्रक में क्या था? ट्रक में वो रेलवे की, कार के वाले के चक्कर में, कार में लग... कार वाले के चक्कर में हुआ है, पर बच गए हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना किसी को? कार को कोई बात नहीं है, वाहन तो फिर भी आ जाएंगे यार। आजकल इतने एक्सीडेंट होते हैं ना, इतना टेंशन हो जाता है, और एक तो वाहन भी ज्यादा हो गए हैं, क्या करे इंसान, है ना। आराम से, किसी को सवर है नहीं, चलाते हैं स्पीड में। सीताराम 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 जय सीताराम, करो सीताराम सीताराम करो, लड्डू सीताराम करो, जय जय सीताराम 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 जय सीताराम,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम। तो अभी हम लोग आ गए हैं कटिबरी हनुमान जी के मंदिर, ये जा रहे हैं देख के क्रॉस करना, ठीक है, वाहन बहुत जोर से आ रहे हैं, देख के क्रॉस करना आराम। मेरे को आ रहे चक्कर, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, कुछ नहीं खाया पिया फिर भी बहुत ज़्यादा जी में चल रहा है, नींद पूरी नहीं हुई ना इसलिए। लड्डू महाराज हमारे सो चुके हैं। A few moments later. तो आज है मेरे बेटे का मुंडन, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, क्या रीज़न है ये मैं अभी नहीं बता सकती, समय आएगा तो मैं वो भी बता दूँगी। और मैं सैड नहीं होना चाहती क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता है, तो बस इतना ही बोलूँगी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये बात हमेशा याद रखना। और ये भी मुझे समझाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो जाती हो, हाँ मैं इमोशनल पर्सन हूँ, क्या करूँ। और हमारे साथ कोई नहीं जा रहा है मुंडन के कराने के लिए, तो फिर मैंने पहले प्लान नहीं था, भावना बोल रही थी बुआ मैं आपके साथ चलूँगी, कोई नहीं जाएगा, तो पहले जब मेरा प्लान था जब मैं मम्मी के यहाँ थी तो मैंने उसको मना कर दिया था, बेटा हमारे साथ कोई और भी जाएगा तो तुमको लेके नहीं जा सकती, गाड़ी भी छोटी है। उसके बाद फिर मैंने सुबह अचानक आज फ़ोन किया कि भावना तुम जाने की बोल रही थी तो चलो हमारे साथ, कन्या भी हो जाएगी और तुम्हारा साथ भी हो जाएगा, लड्डू को भी संभाल लोगी। तो अभी हम आ गए हैं चंबल नदी पे होके जा रहे हैं, पहले यहाँ ड्रम का पुल था और अभी पुल बन गया है। जब हम लक्ष्य के टाइम पे आए तो आप लोग देख सकते हो ये पुल बन चुका है यहाँ पे। चंबल नदी सूखी पड़ी है बेचारी। हाँ यार कितना अच्छा सीन है यहाँ पे, फिल्म का उसका शूट हो सकता है ना भावना है। हाँ। अब तो पानी भी नहीं है इतना, वो रेगिस्तान जैसा लगेगा, रोक लेना साइड में उधर बिल्कुल बीच नदी में। हाँ अच्छा बनाया लेकिन बहुत सही सीन है। तो ड्रम वाला पुल वहाँ पे था। अच्छा किधर ये पुल बन चुका है यहाँ पर ना, ये पुल अभी बना है और ये इस तरफ आप देख रहे हो ना, इस तरफ वो ड्रम वाला पुल था और जिसपे यहाँ पे लोकल बॉडीज जो होते हैं लोकल टेगलर वो चलवाते थे और उसके ना पैसे वसूलते थे, और अभी ये नया बन गया है आप देख सकते हो ये यहाँ से आप देखिए। और इसकी स्पीड अभी ये 80 और 100 बता रहे हैं यहाँ पे पुल पे, मतलब मार्क लगे होते हैं ना, ये देखो यहाँ पे स्पीड 100 बता रहा है, और इसके बाद जब आप देखोगे ना तो इतना गंदा रोड है कुछ पूछो मत। चलो चलते हैं, लेट हो रहे हैं, 8:30-9:30 हो गया, अभी हमको बहुत टाइम लग जाएगा करौली पहुँचते। तो भावना को हम लेके जा रहे हैं, भावना ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही लड्डू हमारा सो गया है। चंबल नदी पे खड़े हैं हम पुल पे। अभी हम सवालगढ़ से निकले हुए, हमें 15-20 मिनट हो गई और यहाँ पे राजस्थान में एंट्री कर ली है, और राजस्थान में आते से ही आप देख सकते हो ये आंधी तूफान इतना भयंकर आ रहा है कि क्या ही बताएं, कैमरे में सही नहीं दिख रहा, इस साइड कितना इसमें भी नहीं दिख रहा, क्लियर दिख रहा है पहाड़ पे नहीं। अब मुझे याद आ गया, जैसे वो पहाड़ों में वो घाटियों में फिर वो बारिश होती थी, आंधी तूफान आते थे, फिर वो बॉलीवुड के गाने चलते थे,
तो रास्ते में आ गया बहुत तेज आंधी तूफान और मैं एकदम डर गई थी, क्योंकि जब हम कहीं सफर करते हैं और आंधी तूफान आता है तो मुझे डर सा ही लगने लगता है। ये है मंडरायल की घटिया। और पहले जब हम आए थे ना 2 साल पहले, इतनी गंदी रास्ता थी ना बहुत ज़्यादा, और चंबल नदी का पुल भी नहीं बना था, तो जो ड्रम वाला पुल होता है ना वो था, तो उससे गाड़ी निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली आंधी तूफान चला गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और रोड भी बहुत फर्स्ट क्लास बन गई है। मतलब क्या ही बताऊं, पिछली बार आए थे हमें इतना टाइम लग गया था, बहुत गंदी रास्ता थी, हमें आते ही गाड़ी की सर्विस करानी पड़ी थी, और अब की बार ना इतनी अच्छी रास्ता बन गई है। अगर आप पहले हम लोग धौलपुर साइड से जाना चाह रहे थे सड़क की वजह से कि रोड अच्छी नहीं है, बट फिर हमने सोचा चलो इधर से ही चलते हैं, उधर से बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा हम लोगों को इसलिए। तो फाइनली ये आप लोग रोड देख सकते हो कितनी अच्छी रोड बन चुकी है। तो अगर आप लोग करौली जाना चाहते हो कैला देवी, तो सबलगढ़ साइड से जा सकते हो, बहुत मस्त रोड बन चुकी है। अभी हम मैया के दरबार में पहुंचे नहीं है, समय कितना हो गया भावना? 9:24 हो गए। लक्ष्य बार बार गाड़ी को रुकवा के उल्टियाँ कर रहा है, उसे वॉमिटिंग हो रही है, उसके होती ही है यार, उसने हालत ख़राब कर रखी है हमारी, इसलिए अभी वो कर रहा है, उसके बाद फिर जाएंगे। थोड़ा टाइम तो ख़राब हो ही जाता है ऐसे रुक के, क्यों? एक बात है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बारिश हो रही है हल्की हल्की। इस टाइम पे अगर हम लौटे हुए होते ना, लौटते हुए आते ना, तो मैं फिर यहाँ पे फोटो क्लिक करवाती, रील्स बनवाती, बट अभी तो पहुंच ही नहीं पाए। 12 बजे तक पहुंच जाएंगे क्या? लौटने में भावना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम लोग कैला देवी पहुँचने वाले हैं। साइड में आपको पानी दिखा था ना, तो मैं बोल रही थी कि ये काली सिल है, तो वो मैं गलत थी, वो काली सिल नहीं थी, तो ये मेरा मजाक बना रहे थे। अभी हम पहुँच गए हैं कैला देवी और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं प्रसाद। एक्चुअली नारियल वगैरह तो हम लोग लेके आए थे, लेकिन आप कहीं भी जाते हो बड़े मंदिर पर, तो हो सके आप घर से प्रसाद लेके जाया करो, क्योंकि यहाँ पर ये लोग इतना महंगा देते हैं ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। जो 10 रुपये की चुन्नी आती है उसको 50 की देते हैं, जो 50 की आती है उसको 150 रुपये की देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, माता रानी के यहाँ जा रहे हैं, श्रद्धा होती है मन में, तो फिर ये लगता है कि छोड़ो यार। तो यहाँ पे हम थाली लगवा रहे हैं, तो ये लेडीज ना बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा, तो ये हमें थाली दे रही हैं, और अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। और कुछ यहाँ मस्ती मजाक चल रही थी, हंसी आ गई मुझे बहुत ज़्यादा। तो अभी हम आ चुके हैं कैला देवी के मंदिर पर, ये है गेट, और यहाँ भाई साहब जो मार्केट बनी है ना, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल मंदिर के गेट तक बिल्कुल वो भी भयंकर बनी हुई है, और हम चप्पल वप्पल गाड़ी में उतार के आ गए। लक्ष्य आगे देख के चलना बेटा, कहीं वैसे तो साफ सफाई ठीक है, हो गई है साफ सफाई, सुबह का टाइम है इसलिए, वो तो गाय वाय यहाँ पे इतनी है कि गोबर ओवर पड़ा है, बाकी तो सब ठीक ही है मामला। ये देख लो मंदिर में भी स्वागत हो रहा है, आगे देख के चलना। तो ये वैष्णो देवी की तरह बना दिया पूरा ऐसा टीन सेट, बहुत बढ़िया जगह है, अच्छा लगता है। लेकिन किसी भी मंदिर अंदर ड्रेस पहने हैं, मैं भी मुझे भी पहन के आना चाहिए, अच्छी खुशबू आ रही है ना, अगरबत्ती होगी। लेकिन ऐसा है एक बात है, मंदिरों पे जाते हैं ना तो अच्छा लगने लगता है अपने आप, अच्छा अंदर से अच्छी अच्छी फीलिंग आती है। हां लड्डू को देखो कैसे नोटिस कर रहा है सारी चीज, लड्डू टकला हो जाएगा, टकला। अभी आप देखो इसको, अभी इसके बढ़िया बाल है,
फिर उधर से लौटेगा तब तक टकला हो जाएगा। लड्डू आज टकला हो जाएगा। मैं और भावना जा रहे हैं थाली लेके, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, अगर भावना इतने में ही थक रही हूँ तो ज़्यादा में क्या हालत होगी मेरी, हैं? कुछ नहीं, जब तक आप पतली हो जाओ। पतली हो जाऊँगी मैं, बस कह रही हूँ हो जाऊँ तब है। यहाँ पे अच्छे अच्छे आइटम मिल रहे हैं, कुछ लेते हुए चलेंगे लौटते हुए। लेकिन गंदी स्मेल आ रही है समोसे और उनकी, पता नहीं कैसे ऑयल में बन रहे हैं वो, डालडा की है ना, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, उल्टी ऐसा मन कर रहा है मेरा। हाँ, यहाँ फोटो सेशन होता है यहाँ पर भी पीछे। चलते माता रानी के दरबार में पहुँचने वाले हैं। माता रानी ने फाइनली बुला लिया हमें, हाँ, वरना प्लान बनते बनते कैंसिल हो रहे थे हम। हम भैया के दरबार में आ गए हैं और इतना सुकून मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा, क्या ही बताएं। अब दर्शन करते हैं अच्छी तरीके से, फिर चलते हैं। A few moments later. तो अभी हमने माता रानी को पूज दिया है, और यहाँ पे जो हल्दी का चौक लगा के जो भी जोरा वगैरह रख के पूजा जाता है, वैसे मैंने पूज दिया है जितना मैं जानती हूँ उतना। माता रानी से मैंने माफ़ी भी मांग ली है, और अभी हम जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। लटू पहले परिक्रमा देंगे, उसके बाद हम लोग बाल कटवाएंगे। लड्डू भैया अब ना देखू रो सीताराम काहे जी मत के कचू चुपया ओ ओ ओ टकलू दो लट छुड़ लड्डू
लड्डू। सीताराम 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 जय सीताराम। क्या रखूं बाल? आओ रखते हैं लड्डू। ए कैसा लग रहा है लड्डू? इसको शीशे में ले जाएंगे मेरे को देख के डर जाएगा। तो अच्छा लग रहा है, इतना बेकार भी नहीं लगा। अब लग रहा है सुमित जैसा, सुमित जैसा। लड्डू आ गई है यहाँ पे। और सुनो फिर इन्होंने रुपए 31 क्यों लिख रखा है यहाँ पे कि रुपए 31 में होगा मुंडन? इन्होंने रखा है 351 लेंगे, 251 लेंगे। अब वो हमारी वो नंद आई थी ना, उनके वो दी बेंजी आई थी ना, उनकी सास बोल रही थी कि जी आई 50 रुपए दे के आए, उन्होंने चुपचाप रख लिए। श्रद्धा के ऊपर होता है, इनको मांगने तो नहीं चाहिए, 251 से कम नहीं लगेगा ये बोल देते हैं ये लोग। ठीक है, ये भी कौन सी बार बार होती है ये सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं। सुनो, तो यहाँ पे पहन रही हूँ मैं कचौड़े, क्योंकि बोलते हैं माता रानी के दरबार में आते हैं तो वहाँ से कचौड़े पहनना चाहिए, यानी कि जो ग्रीन वाले हैं या चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो मैं कचौड़े पहन रही हूँ। मैं यहाँ पे इनसे बोल रही हूँ, मेरा हाथ बहुत टाइट है, देखने में सॉफ्ट लगता है लेकिन सच में बहुत टाइट है, तो बहुत बड़ी चूड़ियाँ पहन पाती हूँ मैं। अगर एक बार पहन ली तो वो टूट के ही निकलती है मेरे हाथों से। और ये है माता रानी, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक वगैरह करवाते हैं, ये ऐसे ही आर्टिफिशियल माता रानी इन्होंने बिठा ली हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ लड्डू के लिए चूरा, लक्ष्य के लिए, एंड ये अपने लिए ले रहे हैं क्योंकि माता रानी के यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ निशानी लेके जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐसा चेक कर रही हूँ जो लड्डू के हाथों में ना लगे, क्योंकि बच्चे हाथ पैर चलाते हैं ना तो उनके फेस पे लग जाता है, और लड्डू के साथ तो अक्सर ऐसा होता ही है, इसलिए टाइम टू टाइम मुझे नेल भी कट करने पड़ते हैं उसके। और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तभी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर ये नींबू पानी पी रहे हैं, इधर ये प्रसाद है, और इन्होंने अपने लिए ठंडा बनवाया है, और ये भावना बनवा रही है। ये तुम क्या ले? वो आ गई, म्याऊं म्याऊं आ गई, अट्टा आ गई, अट्टा वो कह दिया। तो हमारे लड्डू महाराज का मुंडन हो चुका है, अभी रास्ते में मैंने उसको दूध पिलाया, हम लोगों ने खाना खाया था उस टाइम पे, और अभी ये सो गया है, थक गया था ना बेचारा, बच्चे भी थक जाते हैं। और मैं इसके लिए ये वाला चूरा लेके आई हूँ, जय माता दी लिखा हुआ है इस पर। और हमारा लड्डू टकला होने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग बताना, सेम टू सेम अपने पापा जैसा लग रहा है ना, फेस कट सेम पापा पे गया है। तो अभी हम आ गए हैं करौली, मदन मोहन जी के मंदिर जा रहे थे, रास्ते में पहुँच गए, लेकिन फिर इन्होंने फ़ोन किया मंदिर के पुजारी को, वहाँ पर डला रहता है उनका नंबर, तो उन्होंने बोला कि 11:30 बजे बंद हो जाता है, 6 बजे 6:30 बजे ओपन होगा। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। पिछली बार आए थे तब हम दर्शन भी करने गए थे, और मैंने शायद आप लोगों को भी कराए थे थोड़े से, अलाउ नहीं रहता बट मैंने कराए थे आप लोगों को थोड़े से। तो अभी करौली में हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हरी मूँगफली मुझे दिख गई थी, मुझे बहुत पसंद है तो ये लेने के लिए गए हुए हैं। हेलो भानू। हेलो भानु। ये रही, और लड्डू हमारा सो रहा है। लड्डू कैसा लग रहा है यार, चामुंडा जैसा है? हम सोच रहे थे लड्डू अच्छा नहीं लगेगा हमारा, अब लग रहा है बिल्कुल फूफा जी जैसा भावना लग रहा है ना, उसके लिप्स वगैरह बिल्कुल। तो ये गए हैं मूंगफली लेने के लिए, फिर हम लोग निकल जाएंगे।
और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। सामने पानी पूरी चाउमीन वाला, लेकिन गर्मी इतनी है और हम खाना भी खा के आए, तो मुझे देखा भी नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों पेट भरा रहता है ना भावना, तो इन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं जाता। ऐसा लगता है कितनी गर्मी है, लोग कैसे खा रहे हैं, ऐसे करके आता है कुछ मौसम दिल करता है। हाँ बेबी, तुम आइसक्रीम खाओगे? खा लूंगा अगर। इन लोगों ने क्या किया, तुमने लोगों ने क्या खाया था वहाँ पे? काला गोला, और मैं इन्होंने निकला इसकी में। अच्छा, इसको वॉमिटिंग हो गई। भैया मैं कितनी बार बताऊंगी वॉमिटिंग, क्योंकि इसने सारी रिश्ते वॉमिटिंग ही करी है, हमेशा ही करता है। अब कुछ खाया नहीं तो पानी निकलेगा। मैंने भी दो तीन पूड़ियाँ खा ली, दो तो खाई हैं, भावना मेरी ने भी दो तीन ही खाई हैं, और इन्होंने भी दो तीन ही खाई हैं। रास्ते में पता नहीं क्यों भूख लगती नहीं है। तो चलिए, ये लेके आ रहे हैं मूँगफली, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। दे रहा है दोस्त आए, और आइसक्रीम वाले से पूछ लो। हाँ हाँ पूछ लो, पता नहीं। मुझे तो लग नहीं रहा कि अच्छी होगी इसकी है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है देखने से तो। पर अब ठीक है, ये खा रहा है तो। क्या आपने 20 वाली चॉकलेट खाई? हाँ मैंने खाई, मैंने वो खाई क्यों पापा लेके आते थे बेटा वहाँ गुड़गांव, कितनी अच्छी आइसक्रीम केसर पिस्ता वाली। यहाँ मिलती है वो? हाँ, केसर पिस्ता की होती है वो, कंपनीज की तो दादा फ्रेंचाइजी होगी वो, तो वहाँ तो मिलेगी। आ गई मूंगफली, आ गई पापा अल्लाह करेंगे। तो ये पहाड़ों के बीच में हम फिर से रुक गए हैं, और ये लगा रहे हैं सॉन्ग, और लक्ष्य को आइसक्रीम खाते ही फिर से वॉमिटिंग। ये खड़ा हुआ है, देखो ये, इसको आ नहीं रही है, अब ऐसे खड़ा हुआ है। ये गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे हैं कि मैं यहीं छोड़ के आऊंगी। उसको आती नहीं है, तुम्हारी जाती नहीं है। लाल पत्थर है, लाल लाल पत्थर है ये। ये बाउंड्री क्यों बना दी है पालतू में ऐसे ही सामने वाली? चलो यार, बच्चा कैसा लग रहा है भैया? लड्डू टकलू टकलू सुमित जैसा लग रहा है बिल्कुल।